गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे देखे कि मैं पिछला वीडियो सवेरे से शाम तक का दिखाया और वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया वो वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने टोटल चीज़ दिखाया गांव के बारे अपना, तो वो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गया। उसके कारण से मैं शाम को नए वीडियो को स्टार्ट कर दिया हूँ, जो हम मम्मी दीदी सबको जंगल जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को दातुन जो ब्रश सवेरे सवेरे करते हैं ना, तो गांव में तो दातुन का ही यूज़ किया जाता है, दांत भी मजबूत रहता है, दांत भी मजबूत रहता है, जैसे कि दीदी बोल रही है इधर। ब्रश से यूज नहीं करना चाहिए, दांत में क्या बोलते हैं स्पेस छोड़ देता है, यही आम है। और ये आम का बगीचा है हम लोग का, सारे आम तोड़ लिए दूसरे गांव वाले ने, और यहाँ पे कटहल भी है, देख सकते हो कटहल भी इधर है। तो हम मम्मी और दीदी सबको जा रहे हैं दातुन तोड़ने के लिए, तो अब चलते हैं दातुन तोड़ने के लिए। तो गाइस हम लोग करीब आ चुके हैं, देख सकते हैं जो हम लोग का सखुआ का जंगल है, सखुआ का जंगल जहाँ पे हम लोग दातुन तोड़ेंगे वो वहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, सबको मम्मी और दीदी सब आ चुके हैं। अब चलते हैं सखुआ का जो है जंगल, उसके अंदर अब दातुन कहाँ पे मिलेगा पता नहीं, सामने मिल जाएगा तो सही है, नहीं नहीं लाएगा तो ठीक करेंगे, कहीं वो हाथ से तोड़ा जाता है दातुन, तो जाके देखते हैं यदि सामने मिल जाएगा दातुन तो सही है, नहीं तो अंदर जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अब चलते हैं, सबसे पहले है टेंट गाड़ा है उधर, देख सकते हैं गाइस जूम करके आप लोग को दिखा रहे हैं, उधर कोई टेंट गाड़ा है, उधर भी जाएंगे अभी हम कि क्या है यहाँ पे टेंट गाड़ा है, कोई कब्जा वब्जा तो नहीं कर रहा हमारा जमीन, देखेंगे जाके दो जो भारत सरकार तरफ से झारखंड सरकार तरफ से जो आता है वो पानी स्टोर करने के लिए बारिश वाला सो है शायद, मम्मी बोल रही है तो वहाँ जाके अभी हम लोग देखेंगे, फिर पहले दातुन तोड़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है तो चलते हैं। पहले आ चुके हैं बहुत करीब दातुन तोड़ने के लिए हम लोग जंगल। तो गाइस मेरी मम्मी यहाँ पे तोड़ने लगी है दातुन, जो है मेरे को आता नहीं है ना दातुन वातुन इधर कैसे तोड़ा जाता, तो मम्मी यहाँ पे तोड़ रही है। और ये जंगल पहले बहुत ज़्यादा भयंकर हुआ करता था मेरे दादाजी के टाइम में, मेरे टाइम में कभी नहीं, यहाँ पे दादी बोला करती थी कि यहाँ पे चीता उता भी रहता था, यहाँ पे लकड़ा बग्घा जो लकड़ी मतलब कि पेड़ पे रहता है, हाँ चीता यहाँ इस जंगल से, हाँ मर गया चीता था ना, मर गया था तो। तो गाइस देखें कि मम्मी बताई कि अगर जब तक हम लोग दिल्ली में थे तब तक यहाँ पे लकड़ बग्घा निकला था, चीता निकला था यहाँ पे, वो मर गया था, कुत्ता लोग मार दिया झुंड में, जानते ही है कि कुत्ता लोग कैसे है आजकल, आदमी को मारने में टाइम नहीं लगाता वो लोग, टाइम वेस्ट नहीं करता, आदमी लोग को भी मार देता, तो यहाँ पे चीता को मार दिया, वैसे भी पहले से बहुत ज़्यादा कम था, और फॉरेस्ट डिपार्ट वाला आया उसके बाद ले गया उसका, पुलिस सब आए थे, क्योंकि आज का डेट में जानते ही जितने भी बड़े प्रजाति जो हुआ करते थे वो लुप्त हो रहे हैं, जैसे पहले डायनासोर हुआ, उसके बाद लायन का भी प्रजाति यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था, वो भी अब बहुत ज़्यादा भाग गए सारे, मतलब लगभग जो है हिरन उरन भी रहा करता था, तो सब भाग चुके हैं यहाँ पे, सब लुप्त हो रहा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा चीता पैंथर जो बोला जाता है चीता, उसको भारत सरकार दूसरे देश से प्लांट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ उनका आबादी घटना नहीं चाहिए, आज हम लोग चीता को देख रहे हैं जू में लाइव देख पा रहे हैं, कल जाके पढ़ाई इतिहास पढ़ा जाएगा कि चीता हुआ करता था, उस टाइप को वाला बात होगा, तो वो सही बात नहीं है ना, तो इस टाइप का यहाँ पे पहले दादी बोलती थी, अगर मम्मी भी बोली कि आया था, हकीकत बात है कि हम यहाँ पे रहते नहीं है ना, सबसे बड़ा बात है, तुम लोग देखने भी गई थी किधर, उधर आया निकला था ना वहां फर्स्ट डिपार्टमेंट काम कर रहे से के देखो कन तो वहां ओदे वस्ते जंगल में पूरी ओ उधर ने हां कुकरे दौड़े बोले
তারে তাসা থরে ঘন্টা বাঁচলে যা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট মা পালকা ফোন তাই এলে ফরেস্টার বা তা মরে গেলে না লাগে পালকা জিন্দা চিতা আলে চিতার কবর চিতা থা চিতা আর মাম্মি কোঠাই বল রিয়ে থা आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन झारखंड वाले हैं उन लोगों को समझ में आ जाएगा। दिल्ली वालों को थोड़ा सा लेट से समझ में आएगा ये सब चीज़, रिपीट अगेन करना पड़ेगा। मम्मी जैसे कि बोली कि उसको फॉरेस्ट डिपार्ट वाला आया और ले गया, वो जिंदा रह सकता था। थोड़ा सा ग्रामीण लोग जो है लेट पहुँचे, क्योंकि उन लोगों को भी लगा हुआ रहता है ना कि हमला भी कर सकता है वैसे के लिए। यहाँ पे जो दलित है, आदिवासी है, वो ये सब खाने का भी प्रयास कर रहा था कि वो हिरन है, वैसे पाप है, ये सब गैर कानूनियत है। लेकिन आदमी लोग बोलता है, करता है बहुत, तो यहाँ पे फॉरेस्ट वैसा कुछ हुआ नहीं। फॉरेस्ट डिपार्ट वाले आए और ले गए यहाँ पे चीता उता जो है, चीता था सो। अभी यहाँ पे इस गाँव में जो है ना, जो इस जंगल है उसमें रहस्य छिपा हुआ है। दादी बहुत चीज बताया करती थी दादा से हम लोग को। दादा तो मारते थे, हमें डांटते थे, मारे नहीं है, तो उन लोग पास दादाजी पास नहीं बैठते थे, दादी बताया करती थी। तो ये सब बात सब दादी से मैंने सीखा, जाना है ये सब। तो ये हमारा जंगल छोटा मोटा, छोटा मोटा नहीं है, कम से कम 3-4-5-6 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है ये जो हमारा है जंगल। तो पहले दातुन तोड़ते हैं, उसके बाद फिर कुछ करेंगे, ठीक है फिर। तो गाइस हम लोग का हो गया कंप्लीट, दातुन तोड़ लिए हैं मम्मी और दीदी, अब चलते हैं हम लोग घर। हम आए थे यहाँ चीता उता आ जाता है ना, इसके लिए इन लोग को बचाने के लिए आए हुए थे मम्मी और दीदी को, मम्मी और दीदी को बचाने के लिए आए थे। पहली बात में बचाने के लिए आया था, चीता से मैं लड़ूंगा इस टाइप का, यो हम ये शेर इस टाइप का मैं आया था यहाँ पे। हम लोग ज़्यादा दूर गए नहीं थे जंगल में, यहीं पे सामने ही हम लोग को मिल गया दातुन। और मम्मी बोल दी कि चीता भी निकलता है, तो मैं अंदर हम लोग जाने का सोच रहे थे लेकिन गए नहीं फिर। तो हम लोग का दातुन कम्प्लीट हो चुका है, मम्मी आगे आगे जा रही है इधर और दीदी इधर है पीछे। तो दोनों को दातुन तोड़ लिया, नहीं देंगे हमको मत देना, हम नीम का दातुन दो नीम का दातुन रखे यही तो पेड़ है सामने, रोज मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं तो फिर हम तोड़ लेते हैं, टेंशन है ही नहीं हमको। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले घर, अब हम लोग सबको तोड़ लिए हैं दातुन, तो अब घर की ओर चलते हैं। ज्यादा लेट करेंगे, अगर चीता आ गया तो ले गया हमको, तब तो बचाएगा कौन तुमको, तुमको कोई बचाने वाला भी नहीं है, गांव में वैसे भी आदमी नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्ट वाला जब तक आएगा तब तक खत्म कर देगा, कर लेगा मेरे साथ। तो अब हम लोग घर चलते हैं सबसे पहले, अंधेरा होने से पहले। जैसे ही लंबा है तुमको बोलेगा मेरा ही प्रजाति का, छोड़ देगा हम। मम्मी गई थक, गई मम्मी बैठ यहाँ पे, हम भी बैठ जाते हैं अब। तो गाइस हम लोग रेस्ट कर लिए, अब निकलते हैं, अब फिर से अब चलते हैं घर। मम्मी हार्ट पेशेंट है ना, इसीलिए ज़्यादा चल नहीं पाती है, दो दो मिनट में उनको रुकना पड़ता है। आज मम्मी को वैसे हम लोग जंगल ले आए दातुन तोड़वाने के लिए, तो अब चलते हैं हम लोग फिर से घर, मम्मी रेस्ट कर ली अब। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं दातुन तोड़ के घर, और ये रहा हमारा खजूर जो दीदी किसी और से दानपुर में लेके आई है खजूर। तो हम लोग घर आ चुके हैं सबसे पहले, और चलते तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर दातुन तोड़ के। मैं खोल दिया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना इसीलिए। तो अभी घर आ चुका हूँ, अब खाना वाना भी बनेगा तब खाना वाना खाऊंगा। वैसे फिर भी ये भी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।
भाई ज्यादा कुछ तो मांग ही नहीं रहा हूँ ना, तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें प्लीज। जाते जाते बोलूंगा जय हिंद जय भारत, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें।